हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार साउंड 24। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अंडर सीट बूफर का अनबॉक्सिंग में आपको दिखाने वाला हूं कि आप अंडर सीट बूफर 10 इंच का अंडर सीट बूफर एडिएटर ब्रांड में जैसा कि देखा हो एक्टिव सब बूफर, तो अनबॉक्सिंग करते सबसे पहले आपको क्या क्या मिलेगा इस अंडर सीट बूफर में। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो एक मैनुअल होगा, अब हाउ टू कनेक्ट टू प्लेयर, ये आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसमें अंडर सीट बूफर में। एंड इसके साथ आपको एक वायरिंग भी मिलती है, फुल वायरिंग, जिससे कि आप कनेक्शन देंगे आपको प्लेयर से अंडर सीट बूफर में, जो कनेक्शन होगा वो वायरिंग आपको मिलेगी इसके साथ में। एंड थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं किस टाइप की पैकिंग इसमें आपको होके आएगी। ये आपका फ्रीक्वेंसी सॉरी बेस वॉल्यूम एडजस्टर है, वॉल्यूम रिमोट है आपका प्लस माइनस करने के लिए, जो इसके साथ में ही आपको मिलने वाला है। ओके, तो ये इस टाइप का कुछ होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, इसमें ये नॉब लगी होती है जिसमें आप वॉल्यूम को प्लस माइनस यानी कि बेस को प्लस और माइनस आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसके साथ में ही आपको मिलेगी। एंड ये वन अंडर सीट बूफर, ओके, जैसा कि आपको मैंने दिखाया है अंडर सीट बूफर। एंड तो ये अंडर सीट बूफर मैं अनपैक कर रहा हूं और इसके साथ ये कुछ इसके कपलर है और इसमें कुछ एडजस्ट करने के लिए सीट में लगाने के लिए ये सारे पिंस वगैरह और स्क्रू वगैरह इसके साथ में ही आपको मिलेगा। तो ये अंडर सीट बूफर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें यहां से सारे कनेक्शन होंगे, इनपुट आउटपुट सारे यहां से होंगे। ये मेन कनेक्शन होगा यहाँ पे जिसमें इसको सप्लाई दी जाएगी, वो यहाँ से होगा। देखिए प्लस 12 वोल्ट लिखा हुआ है, 12 वोल्ट एंड ग्राउंड लिखा हुआ है, एंड ब्रिज कनेक्शन जो होगा वो यहां से आप मेन कनेक्शन देंगे जिससे कि ये स्टार्ट होने वाला है। ओके, एंड और कनेक्शन की बात करूं, ये जो रिमोट आप देख रहे हैं वो रिमोट का आपको यहां पे फिट करना पड़ेगा। ये देखिए ये बनी हुई है, ये फिटिंग हो गया और ये आप अपनी स्टेयरिंग के पास में इस नॉब को लगा सकते हैं। अब आपको बार बार सीट से उठ के आने की जरूरत नहीं है और उसको एडजस्ट अपने आप सीट पे बैठे हुए स्टीयरिंग के पास से ही आप इसको कर सकते हैं, तो ये इसका बेनिफिट है। एंड इसमें इनपुट बेस और लो, इसको आप हमेशा हाई साइड में करके रखिए, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा। एंड मैं आपको और थोड़ा सा पास से दिखा दूं इसको, देखिए अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा इसमें। और ऑटो पावर ऑन ये सब आपको मिलेगा, फेज इसको ये प्रेस करने पे आपकी वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे, ऑन ऑफ कर सकते हैं इसमें यहाँ से, एंड बेस को प्लस माइनस कर सकते हैं यहाँ से, ये नॉब लगी हुई है यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपका फ्यूज है, जब कभी कोई प्रॉब्लम आए या इसमें पावर ना आए तो एक बार फ्यूज चेक कर सकते हैं। और जो आउटपुट दिया जाएगा यानी कि प्लेयर से जो भी कनेक्शन होंगे वो इस केबल के थ्रू, ये केबल जो आपको इसके साथ मिलेगी वो आप यहां से दे सकते हैं। और ये 10 इंच का अंडर सीट बूफर इसमें लगा हुआ है, थोड़ा मैं आपको इस पास से दिखाता हूं। इसमें 10 इंच का अंडर सीट बूफर लगा हुआ है, ओके, और ये इंपोर्टेड क्वालिटी है, ये देखिए ये इंपोर्टेड क्वालिटी है, मेटल बॉडी का है ये, आपका इंडियन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडियन में क्या होता है, इंडियन में आपको वुडन बॉक्स मिलता है जबकि इंपोर्टेड में ये मेटल बॉडी आता है, काफी हैवी है ये, मतलब जब वेट में भी बात करेंगे तो मान के चलिए कि ये 3.5 kg या 4 kg के लमसम इसका वेट होगा। तो ये सारी सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं और इसको मैं एक बार घुमा के दिखा दूं आपको चारों तरफ से किस टाइप की डिजाइन है। एक तो ये फ्रंट की डिजाइन हो गई आपकी, ये नीचे हो गई और बैक साइड में ये प्लेन होगा ये, ओके, साइड में भी, और इसके पीछे भी बैक साइड में लिखा हुआ है, देखिए एम्पलीफायर सब बूफर पावर सप्लाई डीसी 12 वोल्ट एंड बूफर 10 इंच का है, 4 ओम इसका है और इसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर लगा हुआ है। एम्पलीफायर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर आपको लग के आने वाला है। अब मैं इसकी आपकी टेस्टिंग भी करा देता हूँ कि किस टाइप के इसका साउंड वगैरह आने वाला है, ये मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मैं, बट अभी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाया हूँ किस क्या क्या मटेरियल इसमें प्रोडक्ट के साथ आपको मिलने वाला है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से सब बूफर में आपका ये
ये एडजस्टर, फ्रीक्वेंसी एडजस्टर यानी कि ये बेस ट्यूब का ये वॉल्यूम प्लस माइनस होता है ये नहीं आता है इसमें, इसके साथ में। और वायरिंग मोस्टली जो अंडरसीट बूफर होते हैं उसके साथ नहीं आती है, बट इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वायरिंग भी मिलने वाली है। ओके, जब आप वायरिंग लगाने जाएंगे तो मार्केट में ये वायरिंग 400-500 रुपीज की वायरिंग आपको चार्ज करेंगे। तो ये सारा जितना भी आपको मैंने दिखाया है ये इसके साथ में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।